मैं हूं शहजादा खान और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के समक्ष पूजा स्थल अधिनियम को प्रभावशाली बनाने को लेकर काला बिल्ला हाथों में बांधकर तंजीम अहले सुन्नत व जमात, ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट, वन इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तंजीम अहले सुन्नत व जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती जियाउल मुस्तफ़ा ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत संभावित धार्मिक विवादों को समाप्त कर दिया गया। अधिनियम की धारा 3 के तहत स्वतंत्रता समय से मौजूद धार्मिक स्थलों में परिवर्तन पर रोक लगाता है। कुछ दिनों से इस्लाम धर्म पर लगातार प्रहार हो रहा है। अब जितनी भी ऐतिहासिक मस्जिदें हैं उस पर सर्वे के आधार पर दूसरे धर्म के कुछ मुट्ठी भर लोग कानून को ताक में रखकर शांति प्रिय भारत देश की अखंडता को खराब कर रहे हैं, जबकि अधिनियम 1991 और इसकी धारा 4 ये स्पष्ट करती है कि किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के लिए किसी भी मुकदमे को दायर करने से या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है। बाबर खान ने कहा कि पूजा स्थलों के साथ छेड़छाड़, अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपना निर्देश जारी करें और पूजा स्थल एक्ट पर जो कानून बना है उसको प्रभावशाली बनाया जाए। बात होती है कि उसके नीचे मंदिर है, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जो अमन और शांति की अलामत है पूरे हिंदुस्तान में, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, तो हम ऐसे तमाम लोगों की मुसम्मत करते हैं जो हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं ताजमहल के बारे में, जामा मस्जिद के बारे में, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बारे में और शाही मस्जिद जो ज्ञान वापी में उसके बारे में, उस पर कार्रवाई की जाए। जितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं सर, मुकदमा वापस लिए जाएँ और 1991 कानून के तहत सबकी हैसियत बहाल रखी जाए। तीसरा मामला ये है कि अक्सर सिविल कोर्ट का मसला कई स्टेट में ऐलान हो गया है कि नाफिज होगा, उसके अलावा हिंदुस्तान में हमारी बीजेपी हुकूमत भी नाफिज करना चाह रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर सिविल कोर्ट का मतलब है मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाना। हमारा दस्तूर एसासी, हमारे मुल्क का कानून हर शहरी को मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक देता है। हम हिंदू पर्सनल में कोई चेंजिंग। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।